अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कोई व्लॉग इसी तरह का नहीं बनाऊंगा। आज मैं बनाऊंगा एक परिंदों के बारे में, जो कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये सारी मेरे मामू के परिंदे हैं, 100 से भी ज़्यादा हैं। आपको सारे दिखाऊंगा मैं भी, और बहुत हैं परिंदे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखें, ये छोटी भी आई है, चले आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले मैं यहाँ से पूरा यूँ दिखाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे परिंदे हैं, और सामने जाके सबसे पहले जो है आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे चढ़ना पड़ता है सीढ़ियों पे, यहाँ पे पाँव रखूँगा मैं। सामने चलें, और जो है मेरे सामने आ चुके हैं। और जो है मेरे मामू का शाहरुख नाम है, तो इन्होंने शाह बर्ड्स का वो भी लिखाया हुआ है। मैं सही से दिखा नहीं पा रहा इसलिए, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा वो आ गए। अब देखें तो सबसे पहले हम यहाँ से दिखेंगे। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये होती है बेंगलाइज, और इसके रेट मैं आपको बताऊं तो 1500 होते हैं। और ये गोल्डियन है, ये बहुत खूबसूरत होती है, आप देख लें। और ये जो है यहाँ पर भी बेंगलाइज है, ये यहाँ पर भी बेंगलाइज है, यहाँ पे नहीं है। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे भी यहाँ पे फिंच हैं, फिंचियाँ आपने देखी होंगी, फिंचेस। ये भी बहुत प्यारी होती हैं, छोटी सी होती हैं। मेरे मामू को ज़्यादातर है फिंचों का ही काम है, और यहाँ पे भी फिंचियाँ हैं, यहाँ पर भी, और ये सारे में फिंचियाँ ही हैं। और अब आपको ये देखें, ये हैं गोल्डियन के, इसमें बच्चे हैं, और वो एक दूसरी जो इसमें फिंचेस के बच्चे हैं और फिंचियाँ फिंचेस हैं। और यहाँ पर भी बेंगलाइज होंगी, ये यहाँ पर बेंगलाइज हैं, बिल्ला नहीं, यहाँ पर नहीं है कुछ भी। और ये यहाँ पर जो है गोल्डियन फिंच है, गोल्डियन है, और बेंगलाइज भी यहाँ पे रखी हुई है, और वहाँ पे भी गोल्डियन है। मैं आपको सही से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे फिंचेस हैं। अब मैं ये दिखाता हूँ, और ये आप कमेंट करके बताएंगे कौन है। और ये आ गई अपनी आउल फिंच, ये आउल फिंच होती है, ये और ये आउल फिंच होती है, ये आउल फिंच है, ये आउल फिंच है, आपको दिख रहा है पता नहीं मुझे, ये आउल फिंच हो गई। और एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि अभी मुझे उतारने में थोड़ी सी मुश्किल होगी मोबाइल के साथ, और मोबाइल भी आईफोन है, तो थोड़ा सा वो होता है आईफोन के साथ। तो थोड़ी देर मैं आपसे दूसरे दिखाता हूँ, बाय बाय। तो दोस्तों, ये हैं गोल्डियंस, और इनका जो वो होता है, मतलब कि ये महंगी बहुत होती हैं, और जो है उसके मुकाबले में बहुत कम होती हैं उसके, अपना नहीं मतलब उससे ज़्यादा होती हैं, यानी कि बेंगलाइज से ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे भी बेंगलाइज है, यहाँ पर भी बेंगलाइज, ये पत्ते बहुत आ रहे हैं, ये भी बेंगलाइज। और ये जो हैं गोल्डियन के पट्टे हैं, इसका मतलब कि ये बच्चे हैं, अभी सारे बच्चे हैं ये, पहले आगे जाके वो जो आपको मैंने वहाँ पर दिखाया था उसके जैसे हो जाते हैं, और कलर खुद ब खुद चेंज होता रहता है। और
आपको हम और दिखाते हैं, रुके यहाँ पर भी है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। ये रहे, ये ज़्यादातर बेंगलाइजर हैं, तो बेंगलाइजर फिंच अभी नहीं दिखाऊंगा, वो एक चीज़ मुझे नहीं मिली, मुझे तो दिखानी है आपको। वो गोलियन बैठी हुई है, क्योंकि आपको आगे होना तो देखें आप। और इसके नीचे ये पता नहीं कौन सी है, इसका नाम नहीं याद मुझे। ये सिल्वर वाली है, ये सिल्वर है जो कि ये वाली होती है, ये वाली सिल्वर है, ये बड़ी हो गई है, ये छोटी है। और ये बच्चा ही है, ये हल्का हल्का बड़ा हो चुका है, देखें आप इसके सीने के पास कलर चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और कौन से नीचे का आपको मैं अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। एक थोड़ी सी और चेंज है, वो जो वहाँ पर बैठी है ना, ये वाली ज़्यादा खूबसूरत है, ये भी अच्छी है। और मैं अब आपको ये दिखाऊंगा, यहाँ पर भी थी देखी कहाँ गई, यहाँ पर है बेंगलाइज, ये बैठी हुई डब्बे के पास, ये रही। ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है बेंगलाइज, ये सारी। और ये फिंच है, और यहाँ पर जो है ये कौन है, गेस करिएगा कमेंट में बताइएगा। सारी बेंगलाइज है यहाँ पे, तो ये फिंच है, यहाँ पर भी फिंच है, यहाँ पे आउल फिंच है जो आपको ऊपर दिखाई थी मैंने, ये भी फिंच है यहाँ पे। और यहाँ पर बेंगलाइज, और यहाँ पर फिंच है। अच्छा ये तो आप कीड़े बोल दो, ये कीड़े होते हैं जो इनको खिलाते हैं, ये मिनी वॉर्म्स होते हैं, मिनी वॉर्म्स मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो मामू का भी चैनल है, इनको भी जाके सब्सक्राइब कर दिए, और मुझे भी। इसमें जो है कीड़े जमा करने होते हैं और इनको खिलाते हैं, जमा ही करते हैं हम, बेसिकली इनकी ब्रीड करवाते हैं बेटा, ब्रीड होती है अच्छी। ये वाले जो होते हैं ना मिनी वॉर्म्स होते हैं, ये जो है ना ये मील वॉर्म्स, ये दूसरा कंटेनर है हमारा, इसके अंदर ये पैदा होता है। ये देखें, ये जो है ये घास है जो कि इसके डब्बों में डलती है, ये छोटा सा है बहुत, ये है दूसरे, इसमें क्या होता है इसके अंदर बीटल्स होते हैं, ये काले काले आपको दिख रहे हैं ना, इससे जो है ना ये मील वॉर्म्स पैदा होते हैं, काला काला की है ये, मुझे तो नहीं दिख रहा। अच्छा ये बीटल्स होते हैं, ये जो काले दूसरे कीड़े होते हैं, हाँ इससे ये बीटर से जो है ना मील वॉर्म्स पैदा होते हैं, फिर हम मील वॉर्म्स को जो है ना यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर सेपरेट कर देते हैं। ये असल में ब्राउन कलर का होता है ना, और इसके अंदर मैंने कोको बीट डाली हुई है, जो तुमने मुझे नहीं दी थी, वो कोको बीट बहुत अच्छी होती है पौधों के लिए, आप भी लिएगा, दो दिन में पौधे उग जाते हैं। ये देख रहे हो, ये देखें घूम करके दिखाऊं, ये बड़े शौक से खाते हैं, कट थ्रॉट हो गए और लेडी गोल्डियंस भी खाती हैं। आपको जो गोल्डियन दिखाई थी वो भी खाते हैं, और लेडी गोल्डियन भी खाते हैं। ये खान खजूर जैसा होता है, लेकिन ये इसको बेसिकली कहते हैं मील वॉर्म। और उस वाले डब्बे में तो सुराख भी हुआ हुआ था, इसमें भी करना, इसमें सुराख हुए हैं ताकि वो उनको सांस लेने में आसानी हो। उसमें भी जानना है यार, सुराख करना है, मैं भूल गया सुराख करना।
कल ही किया है मैंने इसको। ये देख रहे हो ये सारे बीटर्स हैं इसके अंदर। इसमें कितने हुए? काफी सारे हैं, अनकाउंटेबल है। कचरे में ही पैदा होते हैं ये। हाँ इसमें कचरा रखा हुआ है। हमें जो है ना इसके पीछे से मिले थे, ये घास जो दिख रहे ना ये पीछे से मिले थे, तो हमने सारे उठाए थे। हाँ ये जहाँ ये कचरे में ही पैदा होते हैं ना इसको, कचरे में पैदा होते हैं, इतने सारे निकले थे यहाँ से। तो हमें जब सफाई की थी ना तब निकले, सफाई की थी तो निकले थे। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, और आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और अगर आपको वीडियो मामू का नंबर चाहिए परचेज करना है इसमें से कोई सा भी परिंदा, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और आप जाके मेरे मामू का नंबर दे सकते हैं। बाय बाय टाटा।